का फर्स्ट क्वेश्चन 8.4 का पहला सवाल है भाई। इनका कहना है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, कह रहे हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन साइन ए सेक एंड टेन ए। अच्छा, साइन सेक और टेन को लाना है कॉट ए। ओहो हो, देखो भाई साइन ए का आंसर इनको चाहिए कॉट के फॉर्म में, सेक ए का आंसर चाहिए कॉट के फॉर्म में, टेन ए का आंसर चाहिए कॉट के फॉर्म में। वैसे टेन ए का आंसर होता है वन अपॉन कॉट ए, तो पहला तो हो गया, ये वाला तीसरा वाला टेन का उल्टा कॉट। अब साइन और सेक कॉट के फॉर्म में कैसे आएगा, सबसे पहली आपको मैं याद दिला, देखो साइन और कॉट का रिलेशन बहुत दूर दूर तक नहीं, लेकिन कोसेक कॉट का है। आइडेंटिटी वन प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर ए। अगर यहाँ से हम कोसेक सॉल्व कर ले तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, ऑलरेडी साइन हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ज़रा इधर से आप बड़े ही प्यार से कोसेक से स्क्वायर छीन लीजिए, मांग लीजिए और इधर रूट लगा लीजिए। बोलो भाई को दिक्कत तो नहीं किसी को, कोसेक से स्क्वायर है यहाँ पे रूट लग जाएगा, कोसेक बचेगा, सिंपल। क्या ये अपॉन वन कर सकते हैं क्या, क्या ये अपॉन वन कर सकते हैं क्या, बोलो भाई। ये बोल रहे हो तुम लोग, बोलते नहीं हो। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, साइन है लिख दिया उल्टा, तो इसको उलट दो, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। हो गया साइन कॉट के फॉर्म में, हो गया साइन कॉट के फॉर्म में, कोसेक का उल्टा साइन, तो इसका भी उल्टा उल्टा कर दीजिए। यहाँ हम आंसर लिखने वाले हैं बड़े ही प्यार से, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन कॉट के फॉर्म में, टेन कॉट के फॉर्म में, बचे सिक भैया। अरे ये भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, गरीब बात भी ये भी, क्योंकि हमको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। सेक और टेन का रिलेशन है तो सेक और कॉट तो निकल ही आएगा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है बोलो भाई, वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर से लेकर घूमो, लास्ट में स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे। नाउ एलसीएम ले सकते हैं क्या भाई, कॉट स्क्वायर ए एलसीएम होगा, वन का कॉट में कॉट स्क्वायर बन जा, बोलो भाई कॉट स्क्वायर ए प्लस वन इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट, बोलो भाई इधर रूट लगाएंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक ए। कुछ लोग इसको आंसर मानते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा है कि ज़रा आप स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लीजिए, किसको, कॉट स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर में तो रूट के बाहर आ सकता है। बहरहाल वन प्लस कॉट लिखो अच्छा लगेगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसको उखाड़ के बाहर नहीं निकाल सकते, स्क्वायर है तो बाहर निकाल दे इसको भी, यहाँ प्लस लगा है बीच में, ये सिंगल था रूट कॉट स्क्वायर ए, तो सिर्फ कॉट ए बाहर बचेगा। डिंग 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 डिंग, ये हमारा आंसर आ गया है किसका, बोलो भाई किसका आया है, सेक। इनका कहना था कि भैया आप सेक को भी ले आइए, सेक का भी आंसर लिखिए किसके फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में लिखिए, तो हमने लिख दिया। सेक का आंसर क्या हो गया, अंडर रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन सिंपल कॉट ए, ये हो गया हमारा आंसर सेक का भी कॉट ए के फॉर्म में। ठीक है, साइन ए सेक ए टेन ए तीनों का आंसर कॉट के फॉर्म में करना था, 8.4 का पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स। नाउ भाई आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ये क्वेश्चन दोनों कई बार स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, 8.4 का एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ्स है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अदर सारे इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ले भैया कहना है इनका कि साइन ए ले आओ सेक ए के फॉर्म में, कोसेक ए ले आओ सेक ए के फॉर्म में, कॉस ए ले आइए सेक ए के फॉर्म में, सेक तो खैर ऑलरेडी सेक है, टेन ए का आंसर लिखिए सेक ए के फॉर्म में, और कॉट ए का आंसर लिखिए सेक ए के फॉर्म में, यानी कि सेक के फॉर्म में आंसर लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस का उल्टा है वन अपॉन सेक ए, पहला आंसर हो गया, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक तो होता ही है, तो सेक के फॉर्म में कॉस आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर टू पे आ गए थे ना, 8.4 के क्वेश्चन नंबर टू में। आप लोगों की जो है मैथ्स पॉइंट से हम हमेशा जो है तैयार है आप लोग के लिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तब पूरा इजी वे में मिलेगा, बहुत इतमान से करना है क्वेश्चन,
जब लर्निंग का टाइम हो तो इत्मीनान से सीखा जाता है। तो साइन कोसेक कॉस टेन कॉट, इनका कहना है कि जितने टेक्निकल फंक्शन होते हैं सबको सेक के फॉर्म में हमको आंसर दीजिए। तो कॉस तो ऑलरेडी सेक के फॉर्म में उल्टा होता है, कॉस का उल्टा वन अपॉन सेक, तो कॉस तो आंसर आ गया भैया। अब बाकी बचे और लोग, तो इनको हम लाइन से सॉल्व करेंगे। पहले हम साइन को ढूंढते हैं, साइन सेक के फॉर्म में कैसे आ सकता है, साइन का सेक से कोई रिलेशन है? देखो सेक से ना हो तो कॉस से तो होना चाहिए, बिल्कुल है। हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं होता? बिल्कुल होता है, इसको बाद में स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर ए, आ गया सेक। सिंपल लास्ट पे एलसीएम ले लीजिए, सेक स्क्वायर ए, वन और सेक का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, वन का सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर बन जा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक सेक कैंसिल, बचा सिर्फ वन। नाउ लास्ट स्टेप पे यहाँ पे आप लोग सिर्फ साइन स्क्वायर से स्क्वायर हटा के उस तरफ क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर ए। भाई देखो यहाँ पे तो बीच में माइनस लगा है तो ये तो रूट से बाहर आ नहीं पाएगा, लेकिन ये आ जाएगा क्योंकि वो सिंगल है। तो ऊपर बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन, ये सेक बाहर आ गया, सिंगल से के बाहर आ गया रूट से। ये आपका बन गया साइन का फार्मूला सेक के फॉर्म में। यहाँ से नहीं कि सर ऐसा स्क्वायर लगा उखाड़ के बाहर ले आया उसको, मुझे माइनस लगा हुआ नहीं आएगा, ठीक है? ये रिलेशन से हमने स्टार्ट किया, इसको सेक किया, एलसीएम लिया, लास्ट में आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, साइन का आंसर क्या आया है? अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए, साइन आ गया। अब हमको पता है साइन का उल्टा कोसेक होता है, इसका जस्ट उल्टा करेंगे कोसेक का आंसर आ जाएगा। कोसेक का आंसर क्या आ जाएगा? इसका उल्टा करो, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। हाँ भाई ये आंसर आ गया इसका, कोसेक का आ गया। साइन का ये हमने निकाला, इसको पलट दिया, सेक अपॉन हमारा कोसेक का हो गया। कॉस का ऑलरेडी पता है हमको, टेन और कॉट बचे, दो लोग और बचे जिनका आंसर चाहिए सेक के फॉर्म में। तो आइडेंटिटी ढूंढनी, कुछ नहीं करनी भाई, आइडेंटिटी पता है हमको, वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, टेन का आंसर सेक के फॉर्म में डायरेक्ट मिल जा रहा है हमको। टेन स्क्वायर ए, वन को भगाओ यहाँ से, बेचारा उधर जाकर सोई माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, स्क्वायर को उड़ा के फेंको उधर, रूट लग जाएगा जाके, ठीक है भाई? सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हमारा आ गया टेन का फार्मूला। टेन का फार्मूला सेक के फॉर्म में इस आइडेंटिटी से मशहूर आइडेंटिटी है। तो चलिए भाई कहाँ आंसर लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं लाइन से हम लोग आंसर, साइन सेक के फॉर्म में, कोसेक सेक के फॉर्म में, कॉस सेक के फॉर्म में, टेन भी सेक के फॉर्म में। आंसर आया है सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अब कॉट भैया हमारे टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा करो, इसका उल्टा कैसे होगा? अपॉन में वन होता ही है सबके, उल्टा वन ऊपर आ गया, चच्चा हमारे नीचे चले गए, सेक स्क्वायर ए माइनस वन आ गया सारा। 8.4 का सेकंड क्वेश्चन हमारा, ये ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 10th एनसीईआरटी, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, अब थर्ड।